एक दिन खुशी दी, दूसरे दिन इतना नाराज कर रहे हैं ना मुझे, कह रहे लेकिन देखना मैं तो कुछ कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी मैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैं हूँ बारिश, मैं रिम झिम में पैदा हुई। और हाँ, एक और गिफ्ट आया है मुझे नायका की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं माय टू फैमिली, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, मेरे बर्थडे का सेकंड डे हो चुका है और इसी ने मुझे बहुत ज़्यादा ही नाराज, एक दिन खुशी दी दूसरे दिन इतना नाराज कर रहे हैं ना मुझे। मैंने कहा कि अभी 23rd को मेरा बर्थडे था, 25th को इसी का बर्थडे है, तो सोचा कि अब उनके लिए कुछ लूँ या उनके लिए कुछ। नहीं 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 नहीं, सुनते ही नहीं। और मुझे कहीं यहाँ पे पता भी नहीं है इतना कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, यही मुझे हमेशा लेके जाते हैं जहाँ पे भी जाना रहता है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फंस रही हूँ, नहीं तो मैं अकेले जाके जो भी सामान रहता सब लेके आती हूँ, इनका बर्थडे करती, लेकिन नहीं मान रहे हैं और बोल रही हूँ तो फिर गुस्सा दिला रहे हैं मुझे। वाओ इसलिए अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी के पास जा रही हूँ, वहाँ गुस्सा करते हैं। कुछ भी मनाने नहीं दे रहे, लेकिन देखना मैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी मैं, देखना आप वीडियो में बने रहना मेरे साथ में। बनेंगे। तो हम आ गए घर पे और जैसे कि मैंने आप लोग से गाड़ी में कहा था कि ईशी मुझे नहीं लेके जाया था, आज मैं बहुत नाराज थी ईशी से, बट वो नहीं लेके गए मुझे कहीं पे भी। मैंने उनसे कितना कहा कि एक छोटा सा केक ले लेने दो, नहीं लेने दिया उन्होंने, बोले नहीं कौन खाएगा, मैं तो नहीं खाने वाला हूँ और मत बनाओ मेरा बर्थडे। मेरा बनाए लेकिन अपना नहीं बना रहे, देखो एक दिन के बाद ही आता है, तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूँगी, अपने ही बर्थडे के दिन उनका भी बर्थडे बना दिया करूँगी। नहीं सुन रहे थे तो मैंने छोटी सी तैयारी की हूँ, क्योंकि 12 बजने वाला ही है अभी, तो छोटी सी एक तैयारी है मुँह मीठा करने के लिए। तो आज के दिन जो है मेरे पति परमेश्वर, जो 12 बजे के बाद में वो दिन लग जाएगा, वो उनकी विलादत का दिन है, तो मैंने सोचा है क्यों ना उन्हें मुँह मीठा कराया जाए, जो थोड़ी सी जो हमारी खुशी है वो हम दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर करें। वैसे तो वो करने ही वाले नहीं हैं, तो बहुत सी शिकायतें हैं मुझे उनसे, तो आप लोग मुझे देख रहे होंगे मैं नाराज़ बहुत चल रही हूँ, तो कोई नहीं, चलिए 12 बजे के बाद मूड अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं, बैठे हैं वो बाहर। तो देखिए यहाँ पे वीडियो चालू हो चुका है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से हम लोग सभी यहाँ पे ठीक है। और ये लास्ट वाला जो आपने ब्लॉग देखा है उसके बाद काफ़ी टायर्डनेस है बर्थडे के ब्लॉग के बाद, थोड़ा आराम कर रहे हैं और ये पीछे पड़ी है मेरे बर्थडे के, पर मुझे जरा भी मनाने का दिल नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बर्थडे है तो मुझे कोई मुझे मैंने क्या कहा कि मुझे आराम कर रहे, तो डिस्टर्ब नहीं यार। मैंने क्या सोचा कि आप मत कुछ करो, हम लोग मैं करती हूँ ना, मत करो, नहीं कर बोलते हैं करने के लिए। अभी कल ही इतना बड़ा टेलीविजन हो चुका है, बस हो गया, अभी हम लोग नहीं मनाते हैं। आप लोग भी जैसे हमसे ये करते हो गए कि जो भी आदमी लोग हैं वो अभी अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, फैमिली का जो बीवी बच्चे का हो गया आपका, बस उसी में हमारी खुशी होती है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ ना मैं। चलिए जो भी ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, आगे जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए मैंने छोटी सी तैयारी की हूँ, थोड़ा से मेरे पास में रोज़ पेटल्स रखे हुए थे और यहाँ पे मैंने डेरी मिल्क रख लिया है, कुछ मीठा हो जाए तो चलिए इसी से ही इसी का जो मुंह है वो हम मीठा करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे निकालते हुए और 12 बजने वाला है, एक मिनट बाकी है। तो हो गया है, 12 बज गया है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल, माशाल्लाह साल के दिनों 50,000, वाह वाह, तुमको हमारी उम्र लग जाए, दोनों हम दोनों जिए हजारों साल, वाह वाह वाह। तो चलिए आप लोग भी मुझे विश कर दीजिए, नसीम के बर्थडे तो आपने देख लिया, अभी मेरा भी बर्थडे देख लीजिए, छोटा मोटा जैसे माशाल्लाह, हमेशा मेरे शोहर को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन, बहुत अच्छे हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे शोहर हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दामाद हैं, अच्छे जीजू हैं, हर क्वालिटी इनके अंदर है।
तो चलिए, जितनी भी बातें कहूँ सब कम है। चलिए इसी आंसू के साथ मैं हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी आंखें जो भर आई है, जो निकला नहीं पता नहीं क्यों। तो बर्थडे शुरू हो गया है, अब जो भी रूटीन ब्लॉग होगा हम बनाएंगे, तो आप लोग देखिए एंजॉय कीजिए। हाँ तो नेक्स्ट डे हो गया है और हम लोग हो गए हैं रेडी, और लाइट जो है वो जा चुकी है। लाइट बहुत डीम आ रही है क्योंकि बारिश है, जो मैंने कहा था कि मेरे बर्थडे के दिन से जो बारिश गिर रही थी और अभी तक माशाल्लाह से बहुत बारिश है। तो हम जा रहे थे, मैं अपनी बड़ी नन के जा रही थी, वहीं हमने सोचा था कि जाके हम बर्थडे मनाएंगे, बट ऐसा हो गया कि रास्ते पूरे भर गए हैं, पानी पूरा भर चुका है। तो देखिए हम बर्थडे मनाएंगे वहाँ। हाँ मतलब जैसे कि ईशी वहाँ पे जाएंगे, बच्चे लोग भी है ना, तो वहाँ पे जाके केक कट विट कर लेंगे। वाह क्या लग रहे हो माशाल्लाह, बहुत बोलने के बाद में देखिए तैयार हुए हैं। इनको बोलती हूँ सुनते नहीं है ये। यस ये वो आज मेरा बर्थडे का डे है, पर बस खड़ी होकर निकले, मुझे तो बर्थडे वर्थडे का शौक है नहीं, ये सब इन लोग लड़कियों के लिए ठीक है। तो बस मैं आज जाके बहन को मिलती आते हैं, जाने वाली वापस से दुबई को। मैंने कुछ गिफ्ट लिया है उनके लिए, तो वो गिफ्ट भी दे देंगे। बस और कुछ नहीं है, जो भी नॉर्मल रूटीन है, जो ब्लॉग है, और वो आपको दिखाएंगे। चलिए हम लोग निकलते हैं, देखते हैं कि पानी कितना भरा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मत निकलो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया, तो हम दूसरे रूट से जाने की कोशिश करते हैं। तो निकलते हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो बर्थडे एक इस तरीके से भी बन रहा है कि हम अपने बहन के घर पे जाके हम बर्थडे मनाएंगे। दो बर्थडे मनाएंगे, फिर बर्थडे मनाएंगे, दो बर्थडे नहीं बनेगा। बनेगा। चलिए रखते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी यहाँ पे पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आ रहे हैं अपने ऑफिस से। तो चलिए पापा को भी लेंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि अभी तो बारिश रुक गई है और ऐसा लग रहा है कि जो रास्ते जो ब्लॉक हुए थे थोड़ा बहुत पानी निकल गया होगा। तो चलिए यहाँ से चलते चलते, अगर रास्ते में पानी नहीं होगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाते हुए चलूंगी। तो ईशी का जो बर्थडे है वो तूफानों में मनाया जा रहा है। तूफान में पैदा हुआ था ईशी, ये बोल रहे हैं कि मैं हूँ तूफान और मैं तूफानों में पैदा हुआ था, और मैं हूँ बारिश, मैं रिम झिम में पैदा हुई थी। और फिर हम आ गए थे अपनी ननन के इधर, आ गई थी मैं, और यहाँ पे केक लेके आ गए थे, और सब बच्चों ने मिलके यहाँ पे मामा का बर्थडे मनाया। और उन लोग बच्चों लोग ने ही केक काटा, मामा ने केक नहीं काटा, क्योंकि जैसे कि कहा था नहीं काटना है। तो बहुत इंजॉय किए, केक काटे, और केक भी माशाल्लाह से बहुत मावा केक था, बहुत ही अच्छा केक था। हाँ तो मैं आ गई हूँ अपनी ननन के यहाँ से, और माशाल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा गया। हमने वहाँ गए, वहाँ जाके बहुत इंजॉय किया, और छोटा सा केक था जो बच्चे लोगों ने मामा के लिए काटे हैं, और मामा ने नहीं काटे। हाँ मामा ने नहीं काटे, मामा नहीं काटे, मामा को पहले ही मना कर दिए थे कि मैं केक विक नहीं कट करूँगा। तो बच्चे लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है, और बहुत सारे हमने इंजॉय किया वहाँ पे। और जस्ट अभी हम 11:30 कुछ आए हैं, तो आप लोग के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे जो बर्थडे गिफ्ट और भी आया है, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाह रही थी। तो ये मेरी चाची सास, मेरी देवरानी जेठानी लोग ने मुझे दिया है, तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है। बस हम लोग आके अभी जस्ट बैठे हैं फ्रेश होके, और फिर से बारिश चल होगी। माशाल्लाह इतनी बारिश है ना आज कि क्या बताऊँ, दो दिन से काफ़ी बारिश चल रही है। और रही बात मेरे बर्थडे की, तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं कोई बर्थडे बर्थडे मनाने वाला हूँ नहीं, कॉमन रूटीन बहुत, क्योंकि आपने देखा नसीन का बर्थडे ही कितना धूमधाम से मनाया कि अभी हम फीके पड़ गए भाई, हमको ये सब बर्थडे बर्थडे नहीं चाहिए। तो अब जो नसीन को जो गिफ्ट मिले हैं वो भी आप देख लेते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आइए देखिए, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस मिला है जो मेरी देवरानी जेठानी की तरफ से आया है ये, और उनको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स मेरी तरफ से, बहुत अच्छा लगा मुझे, कॉटन का ड्रेस है। और एक ये आया है मेरी एक चाची सास की तरफ से, और शाइना की तरफ से, तो थैंक यू शाइना और बुद्धि चाची। तो ये देखिए, और इसके अंदर क्या है आपको बताती हूँ मैं, उन्हें पता है कि मुझे इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने देखिए मेरे लिए इयररिंग दिए। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, और ये छोटा सा मेरा मतलब पर्स है, छोटा सा मोबाइल वोबाइल रखने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग ने बहुत ही प्यार से मुझे जो गिफ्ट दिया है उसके लिए। और हाँ एक और गिफ्ट आया है मुझे नायका की तरफ से, तो नायका ने मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा है, तो थैंक यू नायका। अभी यहाँ से मैं खोल दिए आगे से है ना,
तो यहाँ पे ये देखिए ये आ गया है, हाँ बॉडी लोशन है ये फुल। तो ये मुझे नायका की तरफ से प्यारा सा गिफ्ट आया है, तो थैंक यू नायका। थैंक यू नायका। तो ये था मेरा बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट, और पहले जो गिफ्ट आया था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मतलब लोग मतलब मेरे घर वाले सब लोग मुझे इतना चाहते हैं, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे बहुत प्यार करते हैं सब लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसी ही इज्जत बनाए रखे और ऐसी ही इज्जत मिलती रहे, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हमें अच्छे अच्छे नसीम को तोहफे मिले हैं, और बस अभी हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं, क्योंकि दो तीन दिन से नसीम के बर्थडे से जो थकान है वो अभी तक मेरी उतरी नहीं है, और अब फिर से मैं चला गया था आज बाहर। तो चलिए, ये आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से हमारा पेट भरता ही नहीं, जितना आप लोगों ने प्यार दिया माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले नसीम को मेरे फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से जो भी मिला है आप लोगों ने देखा ही है, वो सब चीज़ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा गिफ्ट मिला है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके तुरंत सब्सक्राइब करो और हमें बहुत सारा प्यार दो। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक दुआ में हमें याद रखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।